जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो आज एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम एचपीपीएससी शिमला के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। पूरे हिमाचल में लगभग 43,000 से ज्यादा बच्चों ने आज एग्जाम दिया। उसी की आंसर की को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जीके का ऑलरेडी आंसर की आपको अपलोड करवा दी गई है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विजयपथ एजुकेशन। आप सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर और अपने आंसर को क्रॉस चेक कीजिए कि कितने आपके आंसर जीके के सेक्शन से बिल्कुल सही हैं। तो अभी हम मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए आप वीडियो को और खुद को आप चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने आज मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल सही किए हैं। तो हम सीरीज बी को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सीरीज बी हमारे पास ही रहेगी, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो साथ में आप जुड़ जाइए, साथ साथ में चेक कीजिए। देखिए 51 क्वेश्चन था सीरीज बी का। द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28। देखिए आपको बोला गया था ऐसी अधिकतम संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन 900 से कम होनी चाहिए, जो 8, 12, 28 से पूरी तरह से कट जाए। तो 8, 12, 28 से जो वैल्यू कट जाती है उस वैल्यू को क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब यही है कि ऐसा नंबर जो सभी वैल्यू से कट जाए। तो 8, 12, 28 का हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। तो 8, 12 और 28 का हमने एलसीएम निकाला। डिटेल में आपको ये क्लास रहने वाली है, आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले 4 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 2 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा 7। अब कोई वैल्यू नहीं कटती है। 4, 2, 3 और 7, 4, 2, 3 और 7, आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? यहां पे मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 7 21, 21 को मैं 4 2 8, 21 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 168, यानी कि 168 ऐसी वैल्यू है जो 8, 12, 28 तीनों से कट जा रही है, लेकिन मेरे को मैक्सिमम नंबर की बात की गई थी। तो यानी कि 168 भी कट जाएगा, 168 का डबल भी कट जाएगा, उसको मैं जितनी बार गुणा करूंगा, 168 का पहाड़ा आप पढ़ते चलिए, 168 एकम 168, 168 का डबल कितना होता है? 336 होता है। ये भी 8, 12, 28 से कट जाएगा, फिर उसका डबल आप कर सकते हैं, उसका डबल आप सभी को चेक कर सकते हैं। मैं साथ साथ में कैलकुलेटर की हेल्प से आपको करके बताता हूं। 168 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 504 आएगा। देखिए 504 तो है नहीं, अगर मैं उसको 4 से गुणा करूंगा तो 672 भी नहीं है, अगर मैं उसको 5 से गुणा करूंगा तो 840, हाँ 840 यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि 840 एक ऐसा नंबर है जो 900 से कम है और 8, 12, 28 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। आपको छोटा सा छोटा नंबर जो था वो चेक करना था, तो आप क्या कीजिए, 6 को देखिए, आपके पास 6/11 दिया था, तो 6/11 कर लीजिए आप, यहाँ पे 6/11 आपके पास आंसर आएगा 0.54, कुछ समथिंग ऐसा आंसर आएगा। उसके बाद आप भाग कर लीजिए 19/36, ये आपके पास आएगा 0.52 समथिंग आंसर आएगा। उसके बाद 13/18, ये 0.7 के आसपास आंसर आपके पास आना है। और नेक्स्ट है 3/4, ये आपके पास आएगा 0.75। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 19/36। आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं, सभी के ऊपर आप जीरो लगा दीजिए, उसके बाद भी आप चेक करेंगे तो सबसे छोटा नंबर ऑप्शन बी ही इसका रहेगा। सो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19/36। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 53, मोटरसाइकिल ट्रेवल 20 किलोमीटर एंड आर फास्टर देन अ साइकिल ओवर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। तो टोटल 600 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटरसाइकिल और साइकिल सवार है, दोनों यात्रा करते हैं। साइकिल से एक घंटे में 20 किलोमीटर ज्यादा तेजी से वो यात्रा करती है मोटरसाइकिल। साइकिल इसमें मोटरसाइकिल से 15 घंटे ज्यादा लेती है, साइकिल में ज्यादा समय लगता है, तो आपको मोटरसाइकिल की जो थी वो गति बतानी थी। तो देखिए टोटल जो है वो 600 किलोमीटर की यात्रा है। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि अगर उसकी उसका कितना समय वो ज्यादा लेता, अगर मैं 20 अगर समय लेता हूं तो मेरे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30 की स्पीड आ गई,
और उससे 20 घंटा वो अगर ज्यादा लेता हूं यानी कि 600 बटा उससे 20 ज्यादा ले लिया तो कितना आ जाएगा 40, जीरो से जीरो कट गया और आपके पास कितना आ गया ये 15 आ गया। तो देखिए गैप कितने का है, 15 घंटे का आपके पास गैप बन रहा है, यहां पर भी 15 घंटे का गैप बन रहा है, किसके अकॉर्डिंग 40 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, ऑप्शन के साथ आप इसको चेक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 आर डिविजिबल बाय 4 and 3। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ऐसा कोई नंबर जो 4 और 3 दोनों से कट जाए, फिर से एलसीएम आप ले सकते हैं, 4 से किया 1 और 3, 3 से किया 1 और 1, 4 से 12 यानी कि 12 ऐसा नंबर है जो कि आपका 4 और 3 से कट जाएगा, तो आपको 200 तक जाना है। तो 200 तक अगर आप जाएंगे तो 12 को जब आप 16 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 16 यानी कि 192 तक ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी 4 और 3 दोनों से कट जाएंगी। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 12 कम 12, 12 दूने 24, ऐसे हम चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे 12 गुना 16 तक जाएंगे, तो 16 ऐसी संख्याएं आपके पास बनेंगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक नगर में जनसंख्या 4% की बढ़ोतरी की जाती है एक साल में और अभी वर्तमान में वहां की जनसंख्या कितनी है, 15,625 है, तो आपको बताना था अगले 3 वर्षों में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। आप यहां पे डायरेक्ट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइए, 4% की वृद्धि, 100 के ऊपर जब 4 की वृद्धि करते हैं तो आप 104 पे जाएंगे, पहले साल में 104/100, 3 सालों के लिए बोला है तो 3 बार आप इसको गुणा कर दीजिए, 104/100 और यहां पर भी 104/100। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है, सिंपल 4 से कट जाएगा, ये आएगा 26/25, उसके ये भी 4 से कट गया 26/25, उसके ये भी 4 से कट गया 26/25। अब ये 25 का क्यूब, 25 गुणा 25 625, कितने होते हैं 15,625, सारे कट जाएंगे, आपके पास बचेगा 26 गुणा 26 गुणा 26। तो आप 26 को 26 से 3 बार आप गुणा कीजिए, आपके पास राइट आंसर आना है 17,576 जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ अ टैंक होल्ड 45 लीटर ऑफ वॉटर यानी कि 1/3 भाग में 45 लीटर पानी आता है, 1/3 भाग यानी कि 3 का 1 भाग जो है उसमें 45 लीटर है, 1 भाग कितना है 45, दूसरा भी कितना होगा 45 होगा, तीसरा भी कितना होगा 45 होगा, क्योंकि टोटल कितने हैं 3 है, तो 45 45 45 कितने हो जाते हैं, 45 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया टोटल लीटर पानी कितना उसमें 135 लीटर। अब हमें बोला है आधे हिस्से में कितना आता है, तो 135 का आप आधा कर दीजिए, कितना आएगा 67.5। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनलाल शिमला से मंडी की यात्रा का आधा हिस्सा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। देखिए क्वेश्चन में यहां पे बात की गई शिमला से मंडी की तरफ जा रहा है, वो शिमला से मंडी की तरफ जा रहा है, आधा हिस्सा जो है वो उसने कवर कर लिया यानी कि यहां पे पहुंच गया, ये हिस्सा आधा है तो ये भी उसके बराबर होगा, अगर ये 10 किलोमीटर तो ये भी क्या होगा 10 किलोमीटर होगा, तभी आप डायरेक्ट औसत चाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर आधे की बात नहीं की जाती तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगना था, 2x/(x+y) डायरेक्ट रेशो का फॉर्मूला आप यहां पे लगाइए औसत चाल को निकालने के लिए, 2 × x आपके पास दिया है 12 किलोमीटर और दूसरा आपके पास दिया है 36 किलोमीटर, डिवाइड करेंगे x प्लस y यानी कि 12 और 36 कितने 48, 12 चौके 48, 4 को 9 से किया तो 36 आता है, 9 को 2 से करेंगे तो 18 किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ 3 कार इन द रेशो 1:5 और आपको टाइम की जो है वो रेशो आपको बतानी थी। तो देखिए पहली जो कार है वो 1, 2 और 5 में जा रही है तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, डायरेक्ट आपकी वैल्यू सेम नहीं लिखी जाएगी, रेसिप्रोकल होगी, पहली कार के लिए 1:2 है और दूसरी के लिए कितना है 2:5 है, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। देखिए पहले के लिए कितनी बताई मैंने आपको 1 और 2 बताई, यहां से दूसरे के लिए कितनी बताई आपको 2 और 5 बताई, तो ये रेसिप्रोकल होती है यानी कि पहले के लिए 2 और 1 इसका अपोजिट कर दो, दूसरे के लिए आप अपोजिट करो तो 5:2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 2, 1 को आगे ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 5 को पीछे ले आएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 2 से किया 10, 5 को 5 से और 2, 10, 5, 2, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था काफी सिंपल सा क्वेश्चन, एरिया का फॉर्मूला लगाना है, लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगेगा, रेक्टेंगुलर शेप है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ,
तो लेंथ 24 थी, ब्रेथ कितनी थी 21 थी, गुणा करना था 24 गुणा 21, आपके पास आना था 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन न्यूमेरिकल वैल्यू 61845। देखिए आपके पास लोकल वैल्यू कितनी है, ये आपके पास थर्ड पोजीशन पे दिया 8, तो लोकल वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। अब किस नंबर के फेस वैल्यू की बात की गई है, फेस वैल्यू कौन सा है 8, 800 में से 8 आप कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 792, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास रहेगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का था लेकिन ये गलत क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई करते हैं। देखिए एक महिला को संकेत से दिखाते हुए राम प्रकाश बोल रहा है, ठीक है जी, राम प्रकाश जो है वो कुछ बोल रहा है, उसने क्या बोला कि वह उस महिला की बेटी है, ये आ गई वो महिला आ गई, उसकी कोई क्या है बेटी है, ठीक है ये नेगेटिव आ गया, बेटी है पुत्री है जो मेरी माता के पति यानी कि जो राम है उसके मम्मी, ठीक है उसके मम्मी उनका हस्बैंड उसके पति उनकी क्या है वो माता है, तो यानी कि ये राम है, राम के मम्मी उनके हस्बैंड उसके पापा लगे, पापा की मम्मी उसकी क्या लगी दादी लगी, तो दादे और पोते का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, तो यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राम प्रकाश से क्या बोला जाएगा, राम प्रकाश उसको क्या बोलेगा दादी बोलेगा, और वो महिला राम प्रकाश को क्या बोलेगी, अगर लड़का है तो पोता और लड़की है तो पोती, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो रीजनिंग का गलत दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62, इजी क्वेश्चन 49, टोटल जो है वो बच्चे हैं और 18वां स्थान जो है वो नितिन का है, ठीक है जी, ये लाइन बना ली, ये एक से लेके कहां तक है 49 तक, 18वें स्थान पे कौन बैठा है, नितिन बैठा है, तो नितिन के बाद कितने बच गए टोटल, नितिन के बाद कितने बच गए 31 बच गए, अगर मैं यहां से आ रहा हूं तो 31 बच्चे ये और 32वें स्थान पे कौन बैठा है, नितिन बैठा है, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी 32वां स्थान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक महीने का चौथा दिन शनिवार है, ठीक है जी, चौथा दिन जो है वो शनिवार है और 27वां दिन क्या होगा, ठीक है 27वां आप पहले गैप निकाल लीजिए, गैप कितने का है 4 से 27 के बीच 23 का गैप है, 23 को हफ्तों में डिवाइड कीजिए, 7 21 पूरे कट गए, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा आपको जाना, देखिए 4 को क्या था सैटरडे था, 2 दिन और जाइए एक्स्ट्रा, सैटरडे से एक दिन आगे आगे जाएंगे, एक दिन आगे गए सैटरडे से तो क्या जाएगा संडे, एक दिन और आगे गए तो क्या जाएगा मंडे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मिसिंग नंबर इन फिगर, इसमें भी क्वेश्चन में हल्का सा कुछ एरर जो है वो आपके पास बन सकता है, वो थोड़ा सा मैं आपको मेथड बताता हूं। देखिए बॉक्स दिया गया था, दो मेथड इसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं, दो मेथड हैं, एक यहां पे खाली है, ये है 9, ये 18 और ये 27। देखिए पहला मेथड क्या है, 9 × 18, फिर उसके बाद क्या आएगा 9 × 27, उसके बाद क्या आएगा 9 × 36, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन दो मेथड यहां पे लग रहे हैं, दो मेथड कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं, देखिए पहला मेथड मैंने बता दिया, दूसरा मेथड ये है 9 को मैं 3 से गुणा करूंगा, 9 × 27, तो 18 को भी 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 54 आएगा, तो 54 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है रीजनिंग में ऑप्शन बी को ही मान्यता दी जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है, तो यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप आपको बतानी कि डॉक्टर का काम डॉक्टर के पास कौन होता है, नर्स होती है, ठीक है नर्स होती है, तो फॉलोवर किसके पास होते हैं ये आपको बताना था, तो फॉलोवर किसके पास होते हैं जिसको फॉलो करते हैं, लीडर, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहना था, रीजनिंग के सेक्शन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पजल की फॉर्म में आप इसको मान सकते हैं, 5 नंबर डायरेक्ट आपसे जो थे वो यहां पे फ्री के नंबर आपसे बनने थे, क्यूब का क्वेश्चन दिया गया था, 5 के 5 आपके सही हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 से 70, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे यहां पे आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज है इसको कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से बताता हूं। देखिए आपको 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब है, ये एक बड़ा क्यूब है,
पांच सेंटीमीटर का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पांच सेंटीमीटर, उसको एक एक सेंटीमीटर के उसमें तोड़ना है। तो जब आप एक एक सेंटीमीटर के उसमें तोड़ेंगे तो पांच गुणा पांच गुणा पांच और बटा एक सेंटीमीटर गुणा एक सेंटीमीटर गुणा एक सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकाला गया तो कितना है 125 बटा एक, यानी कि 125 टोटल डब्बे जो है वो टूटने हैं, 125 डब्बे जो है वो टूटेंगे। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन किसी ने बनाया है, यहां से आप चेक कर सकते हैं, मैं इसी को फॉलो करता हूं। ये क्यूब है पांच सेंटीमीटर का, एक सेंटीमीटर दो तीन चार और ये पांच, ये पहला क्यूब, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, यहां से भी कितने क्यूब बनेंगे, पांच ही क्यूब आपके पास जो है वो बनने हैं। ठीक है, यहां से ये क्यूब बन गए आपके, यहीं से मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये आप साथ साथ में चेक कर सकते हैं। तो एक दो तो तीन चार पांच यहां पर क्यूब बने। देखिए बोला गया हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैव थ्री ऑफ देयर फेस कलर्ड ब्लैक, जिसके तीनों फेस कैसे हो, कलर हो, तीनों फेस की बात की गई है। सॉरी 66 क्वेश्चन था, केवल एक काले रंगे हुए, सिर्फ एक रंग। देखिए अगर इसके ऊपर जब पेंट किया जाएगा पहले के ऊपर, तो इसके साइड वाले नीचे में पेंट किया जाएगा, नीचे में पेंट किया जाएगा, ये तो तीन सतह वाला आ गया। ठीक है, ये तो तीन सतह वाला आ गया, पहले इसको कर लेते हैं, 67 को कर लेते हैं। तीन सतह वाला सिर्फ कहां पे आ रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है, एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर होगा, ये चौथा कॉर्नर होगा, इसके नीचे ही वैसे चार कॉर्नर फिर से होंगे, चार और चार कितने आठ, तो तीन रंगों से जो रंगा है वो टोटल कितने घन हो गए, आठ हो गए। ठीक है, अब 66 क्वेश्चन जो था इसमें बोला सिर्फ एक रंग से रंगा हुआ। अब मैं अगर सेकंड को देखूंगा तो इसके पीछे वाला भी रंगा होगा, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, यानी कि साइड वाले जो है वो सारे रंगे होंगे, तो बचे कितने, बीच वाले। ये देखिए एक, ये दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और नौ, यानी कि एक फेस से कितने आ रहे हैं, सिर्फ नौ डब्बे आ रहे हैं, एक फेस से नौ डब्बे आ रहे हैं। घन के कितने फेस होते हैं टोटल, ये आपको पता है, टोटल छह फेस होते हैं। आपने देखा ना घन इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है, जैसे कि कोई कमरा है, कोई बॉक्स है, पहला फेस ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे उसका दूसरा फेस, फिर लेफ्ट, फिर राइट, टोटल छह फेस हुए, तो नौ हमारे डब्बे बचे, नौ को छह से गुणा करेंगे तो 54 टोटल फेसेस जो है वो ऐसे आएंगे जिनका, जिनके ऊपर सिर्फ एक ही रंग जो है वो लगा होगा। नेक्स्ट इसी से ही थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैव ओनली टू ऑफ देयर फेसेस कलर, सिर्फ दो दो फेस जो है जिसके रंगे होंगे। यहां से आप देख सकते हैं एक ये वाला है, ये सेकंड, ये थर्ड, तीन यहां से आए, तीन यहां से आएंगे, तीन उसके नीचे से आएंगे और तीन उसके ईस्ट डायरेक्शन से आएंगे, तो टोटल कितने बन गए, ये आपके पास बन गए तीन छह और छह बारह, यानी कि एक साइड से कितने बन रहे हैं, बारह बन रहे हैं। तो वैसे ही उसके नीचे वाली साइड से भी कितने बनेंगे, बारह बनेंगे, तो बारह और बारह कितने, चौबीस, चौबीस खाने आपके पास ऐसे बनेंगे जिनके ऊपर जो है वो दो रंगे हुए फेसेस जो है वो आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैव नन ऑफ देयर फेस कलर, यानी जिसके ऊपर कोई भी पेंट नहीं किया गया है। तो अगर मेरे पास एक क्यूब है, अगर मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, बाहर बाहर से अगर पेंट कर दिया, तो जो अंदर में जितने खाने मेरे पास बचेंगे उनके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा, वो चीज मेरे को बतानी थी। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, टोटल 125 क्यूब बनने हैं, जिसमें से 54 ऐसे हैं जो रंगे हैं, 8 ऐसे हैं जिनके ऊपर भी रंग है, और 24 ऐसे उनके ऊपर भी रंग है। तो आप 125 में से 54, उसके बाद 8 और 24, ये सारे आप कम कर दीजिए, आपके पास कितने बचेंगे, 39 बॉक्सेस ऐसे बचेंगे जिनके ऊपर कोई भी रंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट था, हाउ मेनी क्यूब्स आर ऑब्टेन आफ्टर कटिंग ओरिजिनल बिगर क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जब 5 सेंटीमीटर के आपने क्यूब को काटा, किसमें, एक एक सेंटीमीटर के बॉक्सेस में, तो इसका आप वॉल्यूम डायरेक्ट निकालिए, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का नीचे, तो टोटल कितने क्यूब बनने थे, 125 क्यूब जो है वो टोटल बनने थे, तो घन को काटकर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो है वो रहना था। तो हमने ये मैथ एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, आपने अपने सभी आंसर जो है वो चेक कर लिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर जो हैं वो अभी तक सही आए हैं। जल्दी ही मैं इसके हिंदी के सेक्शन के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।